हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स 2 में सार्थक पब्लिकेशन की बुक के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट और उसके चैप्टर नंबर 3 खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए के सोल्यूशन वीडियो को बना रहे हैं हम। और एक्सरसाइज 3.1 को हमने कई पार्ट्स में सॉल्व किया है और आज इसका ये आखिरी वीडियो है। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज 4 मतलब चैप्टर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो थ्योरी क्लासेस है इससे रिलेटेड उसका वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा करके थ्योरी को पहले पढ़ें, उसके बाद एग्जाम्पल्स सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें और उसमें कोई समस्या होती है तब आप इस वीडियो को रेफर करें, तभी आप इस वीडियो का जो फायदा होना चाहिए वही वो प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज एकदम से वीडियो खोल करके और सारी चीज़ किसी कॉपी पे छाप लेने से आपका बौद्धिक विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। अब आज आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड पार्ट आज हम करते हैं और इसमें सेकेंड पार्ट में भी दो क्वेश्चन है ए और बी करके। तो पहला है एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये देखिए अब आपके लिए बहुत आसान बन चुका है क्योंकि आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आईलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल को ई टू द पावर एक्स को सेकेंड मान लेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका तो 1 हो जाएगा, इसका ई टू द पावर एक्स बचेगा इंटीग्रल और वो भी ई टू द पावर एक्स ही रहेगा अगली लाइन में। तो इस तरह से, और इसको जो है आप ये एक्स ई टू द पावर एक्स है तो ये आपका एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स ये आ जाएगा। मुझे लगता है बाद में ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है तो इसलिए ये लास्ट में एक्सरसाइज में जोड़ दिए गए हैं, अदरवाइज इनका स्तर जो है वो एक्सरसाइज में शुरुआत में होने का था। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आइए। देखिए, इंटीग्रल एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम थोड़ा सा दो भाग में कर लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका टेन बन जाता है, वन अपॉन कॉस एक्स आपका सेक बन जाता है। अब इसके बाद देखिए, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल पता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। वैसे भी आप देखें आई लेट है तो ए अलजेब्रिक ये एक्स को फर्स्ट मान लिया, सेक एक्स टेन एक्स को पूरा का पूरा सेकेंड मान लिया क्योंकि इसका इंटीग्रल मौजूद है। अब इसके बाद इसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड तो इसका सेक एक्स हो जाएगा इंटीग्रल, माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो इसका वन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड तो इसका सेक एक्स हो गया। ठीक है ना, अब सेक एक्स बचा तो सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये सबको पता है कि इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये साइन 2x बन जाए, और फिर साइन का होता है इंटीग्रल माइनस कॉस 2x और एक्स का गुणांक से डिवाइड, तो ये सॉल्व होके माइनस 1/4 कॉस 2x ये इतना आ जाता है आपके पास। इसके बाद देखेंगे फोर्थ इंटीग्रल लॉग एक्स। तो ये तो फेमस क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स में वैसे किया था, एक्सरसाइज में नहीं था। इसको इंटू वन मान के सॉल्व करते हैं, तो इंटू वन कर लिया, फिर आई लेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक को सेकंड, यानी कि इसको सेकंड मान लिया वन को। इसके बाद फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो यानी कि लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, उसका एक्स हो जाएगा, वो एक्स कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए एक्स को शुरू में लिख लिया। इधर माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये 1/x हो गया, इंटीग्रल 1 dx तो ये एक्स हो गया, तो एक्स एक्स कट गए, इंटीग्रल डी एक्स बचा केवल, उसका एक्स बन गया जा करके। ये इधर चल ही रहा था एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र लिखिए। तो ये फॉर्मूला पूछा जा रहा है, एक नंबर में आया है बोर्ड में। तो इंटीग्रल फर्स्ट सेकेंड डी एक्स है तो ऐसे करके कर दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स, या फिर यू और वी के फॉर्म में कर दीजिए तो वो भी उसी तरह से लिखा जा सकता है। तो कोई भी तरीका जो अच्छा लगता है वो आप जरूर जरूर लिख दें, समय हो तो दोनों लिख दें, ठीक है ना, दूसरे शब्दों में ऐसे करके और फिर लिख दें, तो जिसको भी जो पसंद है वो उसको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो ये पहला है, देखिए ई टू द पावर एक्स इंटीग्रल 1/x माइनस नहीं सॉरी इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है वो देखना है हमें। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये देखिए 1/x का इंटीग्रल माइनस 1/x स्क्वायर ये मौजूद है और ई टू द पावर एक्स स्टार्टिंग में है, तो इसलिए ये अलग हमारा पूरा एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है। तो हम यही देखते हैं कि वी सी हम देखते हैं क्या
कि अगर हम इसे एफ एक्स मान लें वन अपॉन एक्स को, तो एफ डैश एक्स जो है वो यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए इंटीग्रल हमारा ऐसे बन जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या है, ई टू द पावर एक्स को तो ई टू द पावर एक्स कर लिया, और यहाँ पर सीधा 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 जो है पहला फंक्शन जो होता है एफ एक्स वो आ जाता है और यही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। तो ये अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसलिए हम लिख देंगे या तो बी विकल्प सही है। एग्जाम में जब भी आप करें तो विकल्प के साथ साथ उस विकल्प की वैल्यू जरूर लिख दिया करिए, ये चीज अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं। भले केवल ऐसे अगर आप डाल देंगे ना कि पांचवें क्वेश्चन का बी सही है, छठवें क्वेश्चन का सी सही है, तो इससे एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है, उसे क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ता है बार बार। अगर आप बी के साथ ऑप्शन भी लिख देंगे ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, तो वो उसे ध्यान आ जाता है हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही सही ऑप्शन है। अदरवाइज ऐसे बी सी करके एग्जामिनर के दिमाग में याद नहीं रहता है, तो इसलिए जब भी ऑप्शन आप लिखें तो उसके साथ साथ उस ऑप्शन की वैल्यू जरूर डाल दें, तो उससे ये है कि चेक करने में आसानी रहती है और एग्जामिनर को जितना आप खुश कर पाएंगे, अच्छी राइटिंग कही जाती है, ये सब चीज़ें कही जाती हैं, सिस्टमेटिक काम करने को कहा जाता है। ये सब क्यों कहा जाता है, ये सब इसलिए कहा जाता है कि ताकि एग्जामिनर को जांचने में आसानी हो, उसे देखने में आसानी हो, और जब उसका मूड सही रहेगा तो वो आपको नंबर अच्छे देगा। अच्छे देने का नंबर का मतलब ये है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी, गुस्से में अगर होगा तो वो ढाई दो ढाई नंबर 3 नंबर दे देगा, लेकिन अगर आप उसका मूड सही करके रखेंगे तो वो आपको 3.5-4 तक के भी नंबर दे देगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक में वो 2 नंबर दे देगा आपको। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन आप लिख देंगे, नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट आपको दूसरी जगह देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा, इसलिए ये बात कही जा रही है। सेकेंड पार्ट है इसका, देखिए ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो सेकेंड पार्ट है ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो इसमें देखिए अब इसका फॉर्मूला अगर आपने याद किया है तो उस हिसाब से देख करके लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे चूंकि हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ आपको। अदरवाइज अगर ये करा होता हमने क्वेश्चन तो सीधे हम डायरेक्टली बोल देते कि हाँ भाई ये ऑप्शन सही है। तो देखिए ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स है, तो इसमें ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 32 हमने इसी एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में किया भी था। तो इसमें आईलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ई टू द एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मान लिया, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे आप देख लीजिएगा इसमें से सॉल्व करते करते, तो यहाँ पर तो ये साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स विद माइनस साइन, नहीं साइन का कॉस होता है प्लस, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, और बी एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ई टू द पावर एक्स का जो है ई टू द पावर एक्स और कोफिशिएंट से डिवाइड, तो अपॉन डिफरेंशिएशन के रूल्स में जो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं वो मल्टीप्लाई में उससे आता है, और इंटीग्रल में उससे वो जो है डिवाइड में आता है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स बनता है, एक बार बाई पार्ट्स लगाने से आपका ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स बनता है। दोबारा इसी पे बाई पार्ट्स जब लगा दोगे आप, तो दोबारा बाई पार्ट्स लगाने पे जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपका ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स यानी कि वही इंटीग्रल ऊपर वाला बन जाता है। तो उसकी वैल्यू आई रख करके फिर उसे लेफ्ट में ले जाओगे, वहाँ पे कॉमन लेकर के जो है वो आप मतलब एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आई इक्वल टू ये आएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये इस तरह से आ जाता है। पूरा सॉल्व है, इस तरह का क्वेश्चन कर भी चुके हैं तो इसलिए आपको समस्या नहीं होगी, आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद है तो आप ऑप्शन जरूर जरूर टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन सही है, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला याद रखिए ताकि एग्जाम में अगर ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाए तो सॉल्व करना ना पड़े, नहीं तो फिर क्योंकि सारे ऑप्शन ही उसी तरह के दिख रहे हैं यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल एकदम ये भी सही वो भी सही ये भी ऐसा ऐसा, तो अगर सही से याद नहीं होगा फॉर्मूला तो आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना सॉल्व करने के लिए। तो फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो क्या है, इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स डी कॉस बी एक्स डी एक्स का मान बताइए। फिर से वही 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ये 32 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं और आंसर इतना था, और ये आप मैच करा के देख लीजिए तो बी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, इंटीग्रल 2x³ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आई इंटीग्रल ये मान लेते हैं, और इसमें जो है वो एक्स स्क्वायर को जो है हम क्या करते हैं टी मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है 2x dx dt हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स क्यूब है 2, तो इसमें आप थोड़ा सा करके देखिए
एक एक्स निकाल लीजिए तो वो एक्स डी एक्स बन जाएगा, यहाँ ये वाला काम है ना। तो हमने क्या किया, वही टू और एक एक्स और डी एक्स ये सब एक साथ कर लिए, बचा एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिया और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को टी माना है तो यहाँ पर भी जो है वो आप, एक मिनट हटा देता हूँ इसे। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर को भी आप टी पुट कर दोगे, इस एक्स स्क्वायर को भी टी पुट कर दोगे और टू एक्स डी एक्स की जगह आप यहाँ से जो है वो डी टी की वैल्यू डाल दोगे। अब ये आपका बाई पार्ट साफ सुथरा दिख रहा है, टी टू द पार टी डी टी। इसको सॉल्व कर देंगे आप, इसमें आईलेट के हिसाब से जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया और एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर सेकेंड मान लिया। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी टी। तो यहाँ पर इसका वन हो जाएगा, इसका ई टू द पार टी ही रहेगा, इसका ई टू द पार टी ही रहेगा, फिर दोबारा से ई टू द पार टी ही रहेगा, तो टी ई टू द पार टी माइनस ई टू द पार टी ये आ जाएगा। अब टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ई टू द पार एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पार एक्स स्क्वायर, ई टू द पार एक्स स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो जब आप ऑप्शन में नजर मारेंगे ऊपर तो आपको बी ऑप्शन सही नजर आएगा, तो अतः नीचे लिख दिया बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब एग्जाम में ये चीज़ चाहे तो रफ पे कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, रफ पे करो या इधर करके दिखा दो, फेयर पे कुछ नहीं, मेहनत जब करनी ही करनी है तो रफ क्या फेयर पे ही करके दिखा दो, तो उससे एग्जामिनर को भरोसा बनता है कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट हैं जा मालूम है उसे और उन्हीं का यूज़ करके सॉल्व करके तब इसने लिखा है। सीधे सीधे कोई बी ऑप्शन अगर लिख देता है तो इसका मतलब यही माना जाता है कि इसने पास पड़ोस से पूछ पाछ के इस तरह से लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जब वीडियो कहीं किसी दूसरे के पास जाता है तो सबसे पहले कोई उसके सब्सक्राइबर ही देखता है कि और व्यूज़ देखते हैं, तभी उससे लगता है कि हाँ भाई ये चैनल सही है या नहीं है। तो इसलिए इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत जुड़ जाएँ आप। मैंने बताया भी है आपको, इसके लिए आपको हमें हमारे नंबर 7376292424 इस पर आप जो है वो मैसेज करेंगे, नंबर केवल मैसेज करने के लिए, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। केवल आप इस पे जो है मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अपना नाम ब्रांच कॉलेज सेमेस्टर भेज देंगे तो हम आपको आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेज जोड़ देंगे। गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अलग अलग ग्रुप हैं, जॉब ग्रुप्स अलग हैं, तो किसी भी तरह से आप अगर रिलेटेड हैं डिप्लोमा से तो आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे। आप चैनल पर जा करके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ विजिट कर सकते हैं, आपके जो टॉपर्स हैं, आपके जो जॉब में लगे हुए बच्चे हैं उनसे साक्षात्कार जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं, जो कि आपको अपने भविष्य को संवारने में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने में सहायता करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।